दलाही अमरपुर गांव के लोग दो प्रखंड के बीच पिस रहे हैं। जब सरकारी योजना का लाभ मिलना अचानक बंद हो गया तो प्रखंड कार्यालय पहुंचे, वहां पता चला कि पतना प्रखंड और बरहेट प्रखंड व किसी प्रखंड क्षेत्र में नहीं आते। अचानक ऐसा कैसे हुआ ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। अब तो वो सवाल कर रहे हैं कि क्या वो झारखंड के हैं भी या नहीं। दो प्रखंड के बीच से गायब हुआ गांव, गांव की गरीब जनता योजना लाभ से वंचित। पतना और बरहेट प्रखंड के बीच दौड़ दौड़ कर ग्रामीण परेशान। प्रखंड अधिकारी और डीडीसी से भी नहीं सुलझ रही समस्या। पंचायती राज पदाधिकारी के पास पहुंचा मामला, मुख्यमंत्री से पूछ रहे ग्रामीण क्या वो झारखंड के नहीं। दो पाटन के बीच में बाकी बचाना कोई, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। इसका असर भोग रहे गांव के बारे में हम आपको बताते हैं। मामला साहिबगंज के दलाही अमरपुर गांव की है, जहां के लोग पतना और बरहेट प्रखंड के बीच पिस रहे हैं। सरकारी योजना के लिए ग्रामीण जब पतना प्रखंड कार्यालय पहुंचे तो उन्हें गांव के बरहेट प्रखंड में होने की बात कह चलता कर दिया गया। जब बरहेट प्रखंड कार्यालय पहुंचे तो वहां भी निराशा ही हाथ लगी। पहले इन्हें सरकारी योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन अब ये नई समस्या खड़ी हो गई है। पंचायत सेवक ने तो पत्र लिखकर गांव के लिए योजना आवंटित नहीं किए जाने की बात कही है। अब दो प्रखंड के बीच में दलाही अमरपुर गाँव के लोग भी जानना चाहते हैं आखिर वो किस प्रखंड में है। मुखिया फंड से भी नहीं मिल रहा है और ब्लॉक अंतर्गत योजना भी नहीं दे रहा है, तो ग्राम सभा सीधे बोल रहा है कि यहाँ प्रखंड आप लोग का नहीं है, तो आप लोग का बरहेट में है। बरहेट जब गए तो बरहेट में भी बोल रहा है कि आप लोग नहीं है, जो पतना प्रखंड में ही है। वीडियो से भेंट किए, वीडियो में भी बोला कि नहीं वहाँ का है। जो ग्राम सेवक जोनठो बोलेगा वही होगा। जब हम लोग को रतनलाल टूडू था उस टाइम से काम यहाँ से अपर हो रहा था। अभी जो दो अढ़ाई साल से हम लोग को ही पतना प्रखंड से कोई भी योजना लाभ नहीं मिल सकता है, तो हम लोग नहीं मिलता उसका कारण से हम लोग ब्लॉक गए वीडियो के पास, तो वो बोला कि तुम लोग को पंचायत सभा बोला कि तुम लोग को पंचायत बरहेट में पड़ता है। मौजूदा हालात से ग्रामीणों में मायूसी के साथ नाराजगी भी देखने को मिल रही है। नाराज ग्रामीण अब मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं, उनका कसूर क्या है, किसको बोलेंगे, किसी को भी बोलने का जगह नहीं है। तो आखिर हम लोग झारखंड के है कि नहीं, तो हम लोग वोट दिए हैं हम लोग सरकार हेमंत सोरेन को, तो उसी के पास जाएंगे और उसको पूछेंगे कि हम लोग झारखंड में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इस बारे में जब उप विकास आयुक्त से हमने बात की तो उन्होंने भी मामले में स्पष्टीकरण न होने की बात कहते हुए रिपोर्ट जिला पंचायती राज कार्यालय भेजने की जानकारी दी। मामला मेरे संज्ञान में आया, उसके बाद मैंने दोनों वीडियो से इस बारे में पूछा, लेकिन दोनों वीडियो ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, तो मैं इसको जिला पंचायती राज पदाधिकारी को मैंने भेज दिया है। उनका रिपोर्ट आने के बाद मैं इसमें देखूंगा किसमें आता है, फिर उसके अनुसार उसकी कार्रवाई होगी। जिस गांव को पहले योजना लाभ मिला वहां अब योजना आवंटन पर रोक समझ से परे है। संभव है कि ग्रामीण स्थानीय राजनीति का शिकार हुए हो। यह दलाही गाँव साहिबगंज जिले में तो है, लेकिन ना ये पतना प्रखंड में आ रहा है ना बरहेट प्रखंड में आ रहा है। यहाँ पर ढाई साल से एक भी योजना, जो मनरेगा योजना होती है पंचायत के तरफ से होती है, मुखिया के तरफ से होती है, एक भी योजना इस गांव में नहीं हुई। अपनी समस्या को लेकर जब वीडियो पतना वीडियो के पास गए तो पतना वीडियो के द्वारा कहा गया कि आपका गाँव बरहेट प्रखंड में है, और जब ये बरहेट प्रखंड गए तो वहाँ के वीडियो ने कहा कि यह गाँव पतना प्रखंड में है। लेकिन आखिर ये ग्रामीण अब जाए तो जाए कहाँ, और लोग अब ये कह रहे हैं कि अब हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और उनसे ही पूछेंगे कि आखिर हम जाए तो कहाँ जाएं, कि हम झारखंडी है कि नहीं, ना हम बरहेट में है ना पतना प्रखंड में। तो सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ सुधाकर गुप्ता, न्यूज 11 भारत, साहिबगंज।